लाइव है या वॉकथ्रू वॉकथ्रू करते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा कांग्रेस ने जो पंजाब में कुकृत्य किया कांग्रेस की सरकार ने, उसको लेकर के राजघाट पर मौन धरने का आयोजन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी पधारे हैं। मैं उनको मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पवन शर्मा जी भी पधारे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विजय गोयल जी, लगातार पीएम की सुरक्षा पर जो चूक हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आज आप लोगों ने मौन धारण किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देश व्यापी के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लंबी आयु दीर्घ आयु के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। वो इसलिए की जा रही हैं कि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को होने दिया है, तो मैं समझता हूँ कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो यह चूक जानबूझकर की गई। गृह मंत्रालय की जो जांच हो रही है उसमें रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खासतौर से पंजाब जो कि बॉर्डर स्टेट है, सीमा वहाँ पर लगती है 30 किलोमीटर के ऊपर, और जाकर यदा कदा वहाँ घटनाएं होती हैं, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करना बहुत बड़ी गलत। सर, इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी समर्थक वहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अभी वायरल हुई है सर, इस पर देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक गलती करने के बाद अब दूसरी गलती इस तरह से की जा रही है कि उसके ऊपर लीपापोती की जा रही है। तो मैं समझता हूँ अभी भी ये लोग गंभीर नहीं है इस बात को लेकर। वर्षों तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, क्या कभी हमने ऐसी बातें करी हैं या हमारी कहीं पर बीजेपी की राज्य सरकारें हों उन्होंने किस तरह की कोई चीफ की है? मैं नहीं समझता ऐसा कभी हुआ। कांग्रेस सर इसका ड्रामा बता रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस ने जिस तरीके से किया है, अगर कांग्रेस इतनी गंभीर होती तो शायद ये नहीं होती। जांच इसी बात की हो रही है कि ये जानबूझ के किया गया है या इन्होंने ड्रामा समझ के किया है चन्नी ने, क्योंकि चन्नी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके अब जो बयान आ रहे हैं वो भी बड़े विचित्र बयान हैं कि अभी भी उनको इस बात की गंभीरता नहीं दिखाई देती। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर जिस तरह से परसों पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो चूक हुई है, पंजाब सरकार जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सोनिया जी और राहुल जी के इशारे पर जिस तरह के षड्यंत्र प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ रचा गया, आज देश बहुत उस बात से नाराज है और देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान इस बात के लिए मौन धरना और हमने प्रार्थना की है महात्मा गांधी जी की समाधि के सामने। हम लोग ये मांग करते हैं कि कांग्रेस और सोनिया जी राहुल जी तुरंत देश से अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने हमेशा ही अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए देश की बजाय अपनी कुर्सी को, अपनी सीट को प्राथमिकता दी है और इसीलिए आज जब कांग्रेस देश में
नगण्य होती जा रही है, वो लोकप्रियता में पिछड़ती हुई जा रही है, लोगों की बीच में उनकी कोई जनमानस नहीं बचा है, इस कारण से आज कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है। अरे आपने लोकतंत्र के अंदर लड़ाई लोकतंत्र के तरीके से लड़ी है, इस तरह के षड्यंत्र रच के पहले भी दो प्रधानमंत्री देश ने खोए हैं और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा वो षड्यंत्र नाकामयाब हुआ है। देश ने आपके इस षड्यंत्र को देख लिया है, जान लिया है, कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, भगवान कांग्रेस को सदबुद्धि। प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में सेन लगातार प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे, आज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी समर्थक दिखाई दे रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहने का? देखिए वो भी पंजाब की धरती पे हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कौन इस बात को बढ़ावा दे रहा है? क्या इतिहास इस बात को नहीं जानता कि कांग्रेस ने अपनी सीट के लिए, अपनी सत्ता के लिए अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है सिर्फ इसलिए कि हमारी सत्ता बरकरार रहे? तो देश में कांग्रेस के बारे में लोगों ने जान लिया, इसीलिए कांग्रेस का ये हाल।